आज हम आपको मुंबई के फेमस मुंबा देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंदिर दक्षिणी मुंबई के भूलेश्वर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को ये नाम देवी मुंबा के नाम पर ही मिला है। मुंबा देवी का मंदिर 1737 में मेजिस नामक जगह पर बना था, जहां आज विक्टोरिया टर्मिनस बिल्डिंग है। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने इस मंदिर को मरीन लाइंस पूर्व क्षेत्र में बाजार के बीचों बीच स्थापित कर दिया। मुंबई नाम ही मराठी के शब्द मुंबा आई यानी मुंबा माता के नाम से निकला है। मुंबा देवी का वाहन हर रोज बदला जाता है। सोमवार को नंदी, मंगलवार हाथी, बुधवार मुर्गा, गुरुवार गरुड़, शुक्रवार हंस, शनिवार हाथी, रविवार सिंह आदि वाहनों पर मुंबा देवी विराजमान होती है। सभी वाहन चांदी में बनाए गए हैं। मुंबा देवी का मंदिर ना सिर्फ काफी आकर्षक है, बल्कि इसमें स्थापित माता की मूर्ति भी काफी भव्य है। मुंबा देवी को धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। आस्था है कि इन्हीं की कृपा के कारण मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन सका है। मां मुंबा देवी को मुंबई की ग्राम देवी के रूप में पूजा जाता है। यहां हर शुभ काम से पहले मां का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं मुंबा देवी मंदिर की स्थापना मछुआरों ने की थी। उनका मानना था कि मुंबा देवी समंदर से उनकी रक्षा करती हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन 6 बार आरती होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टभुजा मां मुंबा देवी को ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से प्रकट किया है। जब स्थानीय लोग मुंबारक नाम के एक राक्षस से परेशान होकर ब्रह्मा जी से याचना करने लगे, तो उन्होंने मुंबा देवी को प्रकट कर उस राक्षस का संहार कराया। इसके बाद मां के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और मुंबारक का संहार करने वाली मां का नाम मुंबा देवी रखा गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।